वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी कोकम शरबत। ये पित्तनाशक भी होता है और हमारी बॉडी को बहुत ही फ़ायदा देता है और ठंडक भी बहुत पहुंचाता है। तो गर्मियों में इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है और हमारी बॉडी को ठंडक देता है। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको एक मिक्सर में पीस लेंगे। अभी मैंने कोकम का पेस्ट बना लिया है। इसको मैंने 2-3 घंटे भिगा के रखा था कोकम को, और अभी बारीक पेस्ट बना लिया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको छान लेंगे। अभी मैं कोकम का शरबत इंस्टेंट बना रही हूँ, जो भिगा करके पीसते हैं और तुरंत शरबत बना करके पी लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसको लंबे समय तक स्टोर करना है तो इसी पेस्ट को, जो मैंने ये पेस्ट बनाया है, इसको शक्कर के साथ में थोड़े देर तक 5 से 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा। और पकाने के बाद आप उसको किसी भी डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और करीब 6 महीने तक ये चलेगा। तो अभी मैं इसको छान लेती हूँ एक बर्तन में। अभी मैंने कोकम पेस्ट को छान लिया है छन्ने से और इसको डालूँगी फिर से जार में, और उसमें डालेंगे शुगर और काला नमक 1 टीस्पून जितना, और ये जीरा पाउडर है, मैंने भून के रख लिया था, पाउडर बनाया था, तो इसको डालेंगे और फिर से एक बार हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी हमारा शरबत तैयार है। अभी हम डालेंगे दोनों ग्लासों में थोड़ा थोड़ा। और डालेंगे इसमें चिल्ड पानी।